हे गाइस, वेलकम बैक टू इमोर्टल गेमिंग। तो आज हम फिर से भाई सोलो का एक और नया एपिसोड लेके आ गए। तो भाई हमारी अननोन सीरीज है जो भाई हम खेल रहे थे काफ़ी दिनों पहले, और अभी भाई हमने सब बना लिया था। और अभी आज हम सोच रहे कि भाई हम पैसिव डाइनो को टेम करें, क्योंकि भाई काफ़ी दिनों से भाई खेला नहीं हुई इसलिए। और अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि भाई मुझे पैसिव डाइनो को टेम करना है, जैसे भाई मोस्टॉप्स हो गया, क्योंकि भाई उसको टेम करना ज़रूरी है बेरी फार्म और फाइबर फार्मिंग के लिए। और उससे अच्छा भाई कोई भी और डाइनो नहीं है, क्योंकि भाई इसमें कुछ और रूल होने वाले हैं जो अब तक भाई मुझे भी नहीं पता, बट बाद में भाई डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जल्दी से चलते हैं। और अभी पहले तो भाई मैं स्पाइक वॉल बना लेता हूँ, क्योंकि भाई स्पाइक वॉल इंपॉर्टेंट है इधर आइस बायो में। और देख लो भाई मैंने ये सब बना लिया है, मीन्स ये 19 ही बनाए हैं, क्योंकि भाई अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए, और उसके बाद बना लेंगे। और अभी स्पाइक वॉल के लिए आई थिंक सो मेरे पास स्टफ है, जितना है उतना बना लेते हैं, उसके बाद जब भी हम टेलीपोर्ट करेंगे तब भी देखेंगे। और अभी पहले लिख के भाई ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं कितने लेवल पे अभी खुलता है। ओके, 13 ही लेवल पे मिलता है, मेटल की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई मेटल से तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, अभी फाइबर चाहिए ले लेते हैं। ओके, 8 ही बन रहा है, बट कोई नहीं, चलो इतना तो काफ़ी होगा आई थिंक सो कवर करने के लिए। और उसके बाद हम जाएंगे मोस्ट जॉब को टेम करने के लिए। और फूड भाई हमारे पास ओके नहीं है भाई, हम कंगाल है बिल्कुल ही फूड के मामले में, क्योंकि भाई मेरे पास है ही नहीं, लास्ट टाइम मैंने आई थिंक सो सब खा लिया था। और उसके बाद तो भाई मैं कुछ और फार्म ओके, तगड़ा सा लैग हुआ भाई, जब भी भाई मैं मैप खोलता हूँ ना तब भी लैग ही होता है भाई। अपना डिवाइस भाई थर्ड क्लास हो गया है अभी तो, और अभी तो खेलना ही बाकी है भाई सब कुछ। तो अभी पहले इसको रख देते हैं, क्योंकि भाई मैं साथ में लेके जाने नहीं वाला, क्योंकि ये कैजुअल है तो भाई रिसोर्स सब लॉस हो जाते हैं, और मेरे पास ज़्यादा है भी नहीं अभी। ओके, अभी ये भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसके बाद भाई मर के चलते हैं। ओके, कुछ और डालना पड़ेगा मुझे, ये मेटल डाल देते हैं, क्योंकि भाई इसका ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, फाइनली हो जा भाई ट्रांसफ़र। ओके, हो गया, और अभी निकलते हैं भाई मरने के लिए, क्योंकि भाई ये कैजुअल है तो भाई कुछ और लॉस तो नहीं होगा मेरे से, बाकी तो देखते हैं। ओके भाई, मुझे इधर जंप नहीं करना था, कोई नहीं, चलो अभी भाई वुली राइनो से मरते हैं। आई थिंक सो भाई हाई लेवल का होगा वो वाला, क्योंकि हम आई पे खेल रहे हैं ना, इसलिए आई डिफिकल्टी नहीं, ब्रूटल पे खेल रहे हैं आई थिंक, मुझे याद भी नहीं है भाई किस पे खेल रहा हूँ मैं। ओके भाई, ये टेम वाला है भाई किसी का भाई, 355 लेवल का भाई वुली राइनो, काफ़ी बढ़िया वुली राइनो है भाई, मुझे भी टेम करना है इस वाले को, बट कोई नहीं, चलो दूसरे और का है तो हम दूसरे से मर जाते हैं, मेहमत से मर लेते हैं जल्दी से। तो भाई हम इधर आ गए हंटर के आइलैंड पे, और इधर भाई मैं मोस्टॉप ढूंढ रहा था बट मुझे मिला नहीं, काफ़ी टाइम से भाई मैं ढूंढ रहा हूँ। तो अभी भाई मुझे थोड़ा सा और दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा भाई इधर मिलेगा हंटर के वाले आइलैंड पे। और इधर भाई थेरी दादा घूम रहा है, जिसको भाई मुझे संभाल के पार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो बंदा किधर से भी एग्रो हो जाता है मेरे पे। तो कोई नहीं, चलो उसके लिए भाई मैं बेरी फार्म कर लेता हूँ मोस्टॉप के लिए, और हो सके तो भाई मैं लो लेवल वाला ही टेम करूँगा, क्योंकि भाई हाई लेवल वाले के लिए भाई मुझे सूदिंग वाम चाहिए होगा, और उसके लिए भाई मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जो भाई मुझे बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता भाई, हंटर क्यों करना पड़ेगा। तो भाई मैं वो तो करने नहीं वाला अभी, तो अभी पहले भाई ये फार्म कर लेते हैं, उसके बाद भाई लो लेवल वाला ढूंढने के लिए निकलते हैं, और उसके बाद हम टेम करेंगे जल्दी से, क्योंकि भाई मुझे आज जाना है। और आज ओके, तो अभी फाइनली भाई मुझे 3 मोस्टॉप मिले हैं, वो भी काफ़ी दूर मिले हैं भाई। मैं हंटर के ऊपर गया था, उसके लेफ्ट वाले आइलैंड पे गया था, और उसके राइट वाले आइलैंड पे आया हूँ, उधर भाई मुझे ये 3 मिले हैं, एक 190 लेवल का, 100 लेवल का है जो सबसे लो है, और उसके बाद आई थिंक सो 150 लेवल का है। ओके, 110 लेवल का है, तो उसको नहीं भाई हम 100 लेवल वाले को टेम करते हैं, कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं। ओके, 18% हो गया, तो भाई आई थिंक सो जल्दी हो जाना चाहिए। और भाई ये सर्वर की वजह से थोड़ा सा लेग हो रहा है, मीन्स डिले हो रहा है थोड़ा सा, और नेट का भी इशू है इधर इसलिए, बट कोई नहीं, चलो कुछ कर लेंगे हम जुगाड़। अभी तो भाई ये फार्म कर लेते हैं उसके लिए, और थोड़ा सा भाई इधर सब कुछ क्लियर भी कर लेते हैं, और अपने लिए भाई ये सब ओके। इसको भी मुझे टेम करना है, लिस्टोसोरस को, 180 लेवल का, कितना ओके, 2.8। और भाई रियल जिंदगी में और भाई इसमें भी ये साले भाई मच्छर आ जाता है साले किधर से, साले सोल्जर। अब एक तो मरता भी नहीं है, किधर चले जाता है। ओके, फाइनली मर गया। तो अभी भाई सबको प्रोटेक्ट करके करते हैं, क्योंकि भाई मुझे मोस्ट ऑफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा दूसरे डाइनो से। और इधर भाई डिलोफो घूमता रहता है, और जब भी वो अटैक करेगा तब भी भाई मुझे फिर से टेम करना पड़ेगा, इसलिए भाई मुझे
उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और मुझे भाई जल्दी बाहर जाना है, इसलिए भाई मैं अभी जल्दी से भाई ख़त्म करता हूँ और मस्टोक को जल्दी से टेम करते हैं, और उसके बाद उसको टेलीपोर्ट करेंगे अपने बेस पे, और उसके बाद स्पाइक वॉल लगाएंगे, और उसके बाद ही हम जाएंगे। और पहले पहन लेता हूँ भाई, मुझे याद भी नहीं रहता भाई मेरे पास हाइड वाले क्लॉथ है। तो अभी फाइनली भाई काफ़ी देर के बाद अभी फाइनली भाई इसको भूख लगा है और 37% हुआ है, और भाई ये लाल लाल वाला भी चला गया, तो अच्छी बात है। कोई नहीं, चलो अभी वेट करते थोड़ी देर और आई थिंक सो भाई थोड़ी देर में हो जाना चाहिए 2-3 बार में, और सब रिपेयर कर लेते हैं हम वुड से। ओके फाइनली भाई अभी होने ही वाला है, अबे खा ले भाई। ओके हो गया फाइनली 150 लेवल का, तो इसको भाई जल्दी से हम टेलीपोर्ट करेंगे, और उससे पहले भाई मुझे मरना पड़ेगा। और ये भाई मुझे 50 लेवल वाला मिला था, बट ये बंदा हो नहीं रहा आई थिंक सो, नहीं होगा। ओके 87% हो गया, तो अभी इसको जल्दी से भाई भगा देते हैं, क्योंकि भाई ये बंदा टेम नहीं होगा और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इसलिए भाई मैं जाना वाला हूँ। और इधर भाई स्पाइनो है, किसी का टेम किया हुआ, 2 स्पाइनो है आई थिंक सो, तो उससे तो नहीं मरूंगा, बट दूसरे से भाई मैं जल्दी से मर लेता हूँ, और उसके बाद भाई फिर से अपने बेड पे स्पॉन होते हैं। ओके फाइनली भाई बेड पे स्पॉन हो गया, और भाई मैंने टेलीपोर्ट भी कर लिया है मोस्ट चॉप, और अभी भाई स्पाइक वॉल भी लगा देंगे, क्योंकि भाई स्पाइक वॉल इंपॉर्टेंट है, और इधर भाई डायर वुल्फ घूमते हैं ना, इसलिए भाई मुझे स्पाइक वॉल लगाना पड़ रहा है, वरना तो भाई ऐसे ही चलता अगर आइस बायोम नहीं होता तो। तो अभी लगा देते हैं, और मोस्ट चॉप के अलावा दूसरा कोई और डाइनो नहीं है जो भाई उसको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए भाई मुझे लगाना ही पड़ेगा। ओके ये गलत वाला लग गया, तो इसको भाई डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और रिसोर्स फिर से कल। ओके हो गया भाई 100%, भूल ही जाता हूँ केजियो ले भाई ये, इसमें भाई 100% रिकवरी है, वो याद भी नहीं रहता मुझे। तो भाई इसको ऐसे लगाना है भाई जिधर से भाई मैं भी आ जा सकूँ, क्योंकि हर बार तो भाई मैं कूद नहीं सकता इसलिए, और मेरे पास फ्लाइंग डाइनो भी नहीं है। ओके आई थिंक सो भाई ऐसे कम्फर्ट रहेगा, ओके जा सकता हूँ, वरना पीवीपी होता तो भाई डैमेज करते ही मैं बाहर निकलता, क्योंकि भाई पीवीपी में अपने ही स्पाइक वॉल से भाई डैमेज होता है इसलिए। तो अभी इधर भाई लास्ट वाला लगा देते हैं। ओके भाई मुझे क्राफ्ट करना पड़ेगा, इधर एक लास्ट वाला लगाते हैं, उसके बाद भाई उसको वेंडरिंग पे छोड़ते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे ऑफलाइन, क्योंकि भाई अभी भाई मैं ज़्यादा देर खेल नहीं सकता इसलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।